हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टेक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत जलवायु चैप्टर के तीसरे पार्ट शीतकालीन वर्षा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टेक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून पवनी स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो इस प्रकार है। पहला, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत अर्थात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती है। राजस्थान में इन वर्षा को मावट कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती है। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2017 के अनुसार भारत में 1127 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 39.4 मिलीमीटर शीतकाल में, 129.5 मिलीमीटर पूर्व मानसून में, 845.9 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून में एवं 112.4 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। अब दूसरा है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिम विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। अब दूसरा है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र, तो इसका उत्तर है पंजाब और तमिलनाडु। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर से नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। अब अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, तो इसका उत्तर है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जारों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर है,
जारे में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जारे अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कथन ए, प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। कारण आर है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसका उत्तर है ए और डी दोनों, अर्थात उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जारे में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जारे की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जारे में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा की विपरीत स्थिति है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।